अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। शोमिंग कंपनी की SU7 मैक्स दोनों गाड़ियाँ मेरे राइट एंड लेफ्ट पे आपको नजर आ रही हैं। दो जबरदस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें जो 220 केवीए की इसकी जो है वो पावर है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करती है 400 न्यूटन मीटर। जीरो से लेके 100 तक जो है वो 5.3 सेकंड में ये पहुंच जाती है। और अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 210 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है शाओमी की जो इसके अंदर बैटरी यूज हो रही है दैट इज 73.6 किलोवाट की इसकी बैटरी है। इसकी हम क्लेम करते हैं कि 750 किलोमीटर की रेंज आपको एक चार्ज में मिलेगी जो कि इस वक्त दुनिया में कोई गाड़ी नहीं है। तो आप लाहौर से पेशावर तक जा सकते हैं बिल्कुल इजीली वन चार्ज के अंदर। क्वालिटी के बारे में आप बताएंगे? देखिए, मैं शाओमी के बारे में बात करूँ, शाओमी की कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे वो एलईडी टीवी हो, स्मार्टफोन हो या उसके अप्लायंसेस हो, तो वो IoT और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो जिस तरह बाकी प्रोडक्ट पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस तरह गाड़ी की क्वालिटी पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसके अंदर 11 कैमराज हैं, साथ 1 रडार है। और अगर हम इसके अंदर सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर 12 एयरबैग्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छा जो इसका फीचर है वो सेल्फ ड्रिवन है। आप इसको कोई भी लोकेशन दे या आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ ड्रिवन भी इसको मूव ऑन कर सकते हैं। कि बिल्ड क्वालिटी को आपने कैसा पाया? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस अपने घर जा रहे हैं और हाफ एन आवर का रास्ता और आप अपने AC को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने गैजेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी IoT डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस कार के साथ कनेक्ट होकर वो डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तान में तो आ चुके हैं शोरे के, अभी तो ये पर्सनल यूज़ के लिए हैं गाड़ियाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव है इसके। तो ये गाड़ी कोई आइडिया है कि कितने की पड़ गई होगी पाकिस्तान में जब आप लोगों ने इम्पोर्ट किया? देखिए, पाकिस्तान में तो अभी इसकी प्राइस डिटरमिन नहीं हो सकती, लेकिन इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो अराउंड को $40,000 की इस वक्त मार्केट प्राइस है इसकी इन चाइना। इस गाड़ी को जब देखते हैं तो कोई बंदा ये नहीं समझता कि ये चाइना ब्रांड है। यूँ लगता है जैसे पोर्शे खड़ी है और अमेरिकन ब्रांड खड़ा हुआ है, तो लेकिन ये गाड़ी दिखने में बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में आप लोगों ने तैयार की है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि शाओमी इस वक्त जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर सैमसंग, और हमने रिसेंटली आईफोन को बीट किया है। तो जो क्वालिटी के ऊपर जो फोकस है वो हमेशा से शाओमी का रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट कोई भी आप शाओमी की प्रोडक्ट उठा के देखें तो आपको क्वालिटी उसमें नज़र आएगी। आप सोशल मीडिया पे हाइप चेक करें कि क्या हाइप इस वक्त पाकिस्तान में हुई है शाओमी की। अभी सिर्फ ये दो गाड़ियाँ आई हैं, तो ऑलरेडी जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुई, प्रोटोटाइप है। और आप देखें कि सोशल मीडिया पे कितना जो है वो हंगामा चल रहा है इन गाड़ियों को लेकर कि दो शाओमी की जो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं जो कि 750 किलोमीटर तक वन चार्ज करती हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये चाइनीज ब्रांड है। यूँ लगता है जैसे आप किसी जर्मन और अमेरिकन गाड़ी को देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। कंपटीशन का दौर है और इस वक्त इलेक्ट्रिक का दौर है। हर दूसरी बड़ी कंपनी जो है अपनी गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कर रही है, लेकिन क्या है कि ये वाया चाइना के थ्रू। तब देखना ये है कि शाओमी की ये जो गाड़ी है पाकिस्तान में अभी तक तो धाक जमा चुकी है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में ये गाड़ी आई हुई है, हर बंदे ने देखा, कमाल की ये गाड़ी है। इसके साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें, नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।